प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि जो भी जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बहाली आपका आता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है गुजरात के तरफ से, गुजरात सरकार के तरफ से, जिसमें गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JPSC में आपका जो है रिक्रूटमेंट 2024 का जो है यहाँ पे निकल कर आया है। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है वो आपका असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे जो है कई सारे वेरियस पोस्ट आपके निकाले गए हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का क्लास 2 रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स में आपका दिया गया है। इसमें टोटल सीट्स अगर आप देखें तो टोटल सीट जो है 96 सीट यहाँ पे जो है दिया गया है, और ये आप जो है 30 नवंबर तक, है ना, 30 नवंबर तक जो है आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगला नोटिस देखें तो आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हो जिसमें बताया गया है गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियरिंग सर्विस सिविल का यहाँ पे दिया गया है, जो कि 33 सीटें हैं। और इसके अलावा आपका जो है मैकेनिकल वालों के लिए जो है यहाँ पे निकाला गया है। इसके अलावा असिस्टेंट इन्वायरमेंट इंजीनियर के लिए है, जिसमें अगर आपने अपना डिग्री इन्वायरमेंट में या फिर बीटेक आपने सिविल में कर रखा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है 144 सीट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर जो है यहाँ पे निकाला गया है आपका नर्मदा वाटर रिसोर्स वाटर सप्लाई एंड कल्पसर डिपार्टमेंट्स में, जिसमें 250 सीटें हैं। तो ओवरऑल अगर आप सीटों को ऐड करोगे तो लगभग 600+ सीटें जो है आपका यहाँ पे निकाला गया है असिस्टेंट इंजीनियर पद के लिए। तो अलग अलग पद के लिए जो है आप अलग अलग आपको जो है अप्लाई करने होंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पे आपको जो है यहाँ पे इस लिंक को मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, उस पे आपको सिंपली क्या करना है क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और उस नए पेज में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको जो है नजर आएगा, है ना। इस तरीके का इंटरफेस आएगा यहाँ पे, जो जो भी पद के लिए आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे जूनियर यहाँ पे बात किया जाए गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड इंजीनियरिंग सर्विस में, तो यहाँ पे आपका जो फी लगेगा वो 100 रुपया लगेगा और 30 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपका अप्लाई का लिंक दिया गया है, इस पे आपको क्या करना है सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक करेंगे अगेन आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे जो है आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे जो है दिया हुआ रहेगा कि किस कैटेगरी में कितने सीट्स आपके दिए गए हैं, जनरल कितने सीट्स हैं, फीमेल के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वो आपका कितना दिया गया है ना, और किस लेवल का आपका जो है ये आपका जॉब है। तो आप देख सकते हो क्लास 1 है और लेवल अगर बात किया जाए तो ये 11 नंबर लेवल का है, जिसमें बेसिक सैलरी जो है आपको 67,700 रुपया आपको जो है यहाँ पे मिलने वाला है। और वही क्लास 2 लेवल 9 का जॉब है जिसमें मिनिमम सैलरी जो कि बेसिक सैलरी है वो आपका 53,100 रुपया यहाँ पे आपका मिलने वाला है, ठीक है। तो दो तरीके का पे स्केल आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 2 जो है 9 लेवल का है और क्लास 1 जो है 11 लेवल नंबर का है। ओके, तो ये यहाँ पे जो है दिया गया है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। स्क्रॉल करके आपको जो है नीचे आकर आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डिटेल्स फिल करने हैं और यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है
कि किसी तरीके का कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको जो है यूज नहीं करना है, जैसे ब्रैकेट, स्टार, हैश, इस तरीके का डॉट वगैरह किसी तरीके का कोई यूज नहीं करना है वाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारे डिटेल्स आपको जो है फिल करने हैं, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगे जाएंगे वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे जो है फिल करके, आपको जो है सेव करके आगे की प्रोसेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो है आप यहाँ पे सीटें जो है देख सकते हैं, वैकेंसीज आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका जो एग्जाम्स होगा जो कि प्री एग्जाम्स होंगे, प्री एग्जाम्स अप्रोक्सीमेटली अगर बात किया जाए तो प्री एग्जाम जो है आपका यहाँ पे अप्रैल 2025 में आपका लिया जाएगा असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। जो भी अलग अलग पद दिए गए हैं उसके लिए जो है 25 अप्रैल में 2025 में एग्जाम लिया जाएगा, और जो प्री का एग्जाम आपका अप्रैल 2025 में होगा उसका रिजल्ट अगस्त 2025 में होगा, और आपका जो इंटरव्यू है वो आपका जनवरी 2026 में आपका होगा। मतलब आप देख सकते हो कि टाइमिंग क्या मतलब रखा गया है कि 1 साल से ऊपर टाइम आपका यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस में लगने वाला है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो फाइनल रिजल्ट है उसके पब्लिश होने के 10 दिन के बाद आपका जो है लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू आपका होगा। तो यहाँ पे दिया गया है अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग आपका दिया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा सीट अगर बात किया जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल क्लास 2 के लिए होने वाला है, जो इसका पे ग्रेड स्केल जो है आपका 9 है, जिसमें बेसिक पे जो है वो आपका 53,100 रुपया आपका रहने वाला है, जो कि अंडर नर्मदा वाटर रिसोर्सेज वाटर सप्लाई एंड कैल्चर डिपार्टमेंट्स में होने वाला है, जो कि टोटल सीट जो है 250 सीटें यहाँ पे आपका दिया गया है। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हो ये आपका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर बात किया जाए तो बैचलर डिग्री आपके पास होने चाहिए, यानी बीटेक क्वालिफाई होने चाहिए इन इंजीनियरिंग विद सिविल ब्रांच या टेक्नोलॉजी विद सिविल ब्रांच, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चाहे वो आप सेंट्रल हो या स्टेट के अंतर्गत आते हो, बट अगर आप इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया है तो आपका फॉर्म भर सकते हैं, कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाला है, ये चीज जो है यहाँ पे दिया गया है। और अगर कोई जो है आपको वैकेंसीज आती है जिसका पे लेवल जो है 8 है, तो उसमें 44,900 रुपये आपको जो है दिया जाएगा, और आपको जो है नॉलेज होना चाहिए गुजराती या फिर हिंदी या फिर दोनों। अगर इनका नॉलेज आपके पास है तो आपको हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया जाए। एज रिलैक्सेशंस आपको जो है दिया जाएगा एज पर गुजरात सरकार के तरफ से, जो भी एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं वो आपको जो है यहाँ पे दिए जाएंगे, ये यहाँ पे अपडेट दिया गया। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अगर बात किया जाए तो फॉर्म भरने के लिए जो है 100 रुपया यहाँ पे लगेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, और प्लस एप्लीकेबल पोस्टल चार्ज और इन ऑनलाइन पेमेंट सर्विस चार्ज, अगर कोई पोस्टल चार्ज है तो वो लगेगा, या ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने का 100 रुपया प्लस आपका जो है कुछ सर्विस चार्ज जो बैंक के तरफ से लिए जाएंगे वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे जो है अपडेट दिया गया। इस तरीके के सारे नोटिस सेम टू सेम लिखे गए हैं, तो सारे नोटिस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अलग अलग चाहो तो सभी के लिए वन बाय वन अप्लाई कर सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी एक के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। हाँ, अगर ए लेवल वाला का यूज कर रहे हो तो उसका एग्जाम पैटर्न अलग होगा, अगर क्लास 2 के लिए आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पे तो उसका एग्जाम पैटर्न अलग होगा, लेकिन एग्जाम तो आपको सभी में देने होंगे। एग्जाम्स होगा, प्री एग्जाम्स होंगे, मेंस होंगे, उसके बाद आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। टोटल 3 स्टेज होगा, कितने टोटल 3 स्टेजेस में आपका जो है ये आपका
कंप्लीट होने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसमें जो नोटिफिकेशंस आपका दिया गया है, नोटिफिकेशंस में दोनों ही लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, आपका गुजराती और आपका जो है यहाँ पे इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में आपका यहाँ चीजों को जो है बताया और समझाया गया है। ज्यादातर नोटिस जो है आपको गुजराती लैंग्वेज में आपका दिया गया है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।